कोरोना वायरस का संक्रमण अब कानपुर को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मदरसे में रहने वाले 8 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दरअसल शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया स्थित मदरसा शेख हिदायतुल्ला में बिहार के कटिहार से आए हुए 17 छात्र ठहरे थे। मदरसे में मिले इन छात्रों को स्वास्थ्य टीम और पुलिस ने बाहर निकालकर नारायणा मेडिकल कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में रख दिया था। 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी छात्रों के नमूने लिए थे, जिसमें से 8 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन छात्रों की उम्र 12 से 22 साल के बीच बताई गई है। वहीं कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक शुक्ला ने बताया कि 8 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर सभी को सरसौल CHC में रखा गया है। विशेष रूप से संवेदनशील रहा, हिदायत मदरसा में कई बच्चे रह रहे थे, इस तरीके के 51 बच्चे वहाँ थे और उसके साथ ही उनके सफाई कर्मी वगैरह की जांच हम लोगों ने की थी। उसमें से 8 बच्चे कोरोनाग्रस्त पाए गए, जिनको हमने उपचार के लिए सरसौल CHC में रख लिया है और वहाँ उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। उसके साथ 6 लोगों को हमने क्वारंटाइन में नारायणा अस्पताल में रखा है और उनका वहाँ पे तब तक रखें जब तक वो सुरक्षित ना हो जाए समाज के लिए और आपस में किसी तरीके का संक्रमण न फैले। इसके अलावा एक और मृत्यु हो गई है, वो उसको वेंटिलेटर पर मेडिकल कॉलेज पर प्राइवेट नर्सिंग होम से लाया गया था, लेकिन विशेष अथक प्रयासों के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और वो फाइनली उसकी डेथ हो गई है। उसका बॉडी का हम लोगों ने जो फ्यूनरल किया है बहुत ही सारे प्रिकॉशंस लेकर के किए गए थे, वो भी रोगी धनात्मक मिला है, तो उनके संपर्कियों को हम लोगों ने ढूंढा और 61 ऐसे संपर्की आए हैं जिन्होंने उससे संपर्क कभी ना कभी किया था। उन सभी की हम लोग जाँच कर रहे हैं और उनको भी हम क्वारंटाइन कर देंगे, जांच में जैसा भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से उनको उपचार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर में एक साथ मिले 8 कोरोना पॉजिटिव के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 20 हो गई है, जिसमें एक युवक की मौत भी हो चुकी है। कानपुर से न्यूज के लिए चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।